सेम फ्लैट, सेम फ्लैट बस। कैमरा रोले नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक भास्कर, और आज जिनसे बातचीत होने वाली है वो इंडिया के वेब सीरीज हिस्ट्री के सबसे सफलतम शो के हिस्सा हैं, एंड कोटा फैक्ट्री। नाम तो सबने सुना होगा, जिन्होंने वेब सीरीज देखी होगी उन्होंने तो मतलब सुना ही होगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी वो भी जानते हैं। जितेंद्र, प्रीतेश, तिलोत्तम, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र, आपके लिए पहला सवाल कि आईआईटी क्रैक करना ज़्यादा आसान है या फिर एक्टर बनना? जब तुम उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन में होते हो तो दोनों ही टफ होती हैं, एंड दोनों के लिए ही तुम तरीके ढूंढने की कोशिश करते हो कि कैसे, क्या तुम ऐसा कर दो कि तुम जो चीज़ अचीव करने आए हो, जो तुम्हारे एम्स हैं, वो तुम क्रैक कर पाओ। तो जब आईआईटी की तैयारी करते थे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। वो लगता था कि हाँ, मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बट कि वो अगेन वो बहुत अनसर्टन चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और बहुत कम सीटें होती हैं। लाइक कितने, मतलब लाइक 10 लाख लोग या 8 लाख लोग बैठते थे हमारे टाइम पे, और 4,000-5,000 सीट्स होती हैं। तो इट्स अ लाइक, तुम ऑफकोर्स तुमने मेहनत भी करी होगी, स्टिल यू माइट नॉट क्रॉस द लाइन। सो वहाँ पे वो अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है कि तुम होगा या नहीं होगा। सेम जब तुम एक्टर, तो इट्स लाइक तुमने कभी सोचा भी नहीं होता, इट्स लाइक वेरी ड्रीमी थिंग कि तुम फिल्म्स के फ़ैन हो, तुम लाइक बहुत सारे एक्टर्स के फ़ैन हो, यू मतलब कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आज से 12 साल पहले चले जाऊँ तो मैं कभी ये लाइफ जो मैं आज जी रहा हूँ मैं सोच भी नहीं सकता। सो बट हाँ, तो ऐसे में मुंबई आना विदाउट नोइंग एनीबडी कि कहाँ कैसे क्या होगा, सो दोनों ही बहुत हार्ड एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि थ्रू आउट माई जर्नीज मुझे लोग मिलते रहे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड चीज़ें मेरे लिए आगे बढ़ती गई। प्रतीश, क्या फिलॉसफी इस बार है सीजन 3 में, एंड मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन में तो जा रहा है कोटा फैक्ट्री? फ्रेंड्स की तरह नहीं है कि वो सीजन 8, 9, 10 तक भी जाएगा, या क्या है? अगर दर्शकों का प्यार मिलता रहा तो इस सीजन 10, 11 तक भी जाएगा ये? जब तक ये, मुझे लगता है वही कि ऑडियंस पे डिपेंड करता है, और ऑल्सो हम हर सिचुएशंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक स्टूडेंट्स की, टीचर्स की रिलेटेबिलिटी, जब तक वो सिचुएशंस हमारे पास है तब तक स्कोप रहते हैं। और इस सीज़न में अगर आप देखेंगे तो मोर ओवर, चूँकि ये द ईयर है जिसमें वो लोग अपनी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और सारी चीज़ें, तो हमारा मेन वही है कि जो हमारी टैगलाइन आपने ट्रेलर में भी सुनी होगी कि तैयारी ही जीत है। तो हम प्रिपरेशन दिखाना चाहते हैं, हम प्रिपरेशन के पीछे के माइंडसेट दिखाना चाहते हैं। हर्डल्स सबके लिए अलग होते हैं, स्टूडेंट के लिए अलग, पेरेंट्स के लिए अलग, टीचर्स के लिए अलग। तो वही डायरेक्शन है और आपको वही देखने को भी मिलेगा। तिलोत्तमा, किस तरीके से आपने 1 मिनट में हाँ कहा था या फिर इंतज़ार करवाया मतलब मेकर्स को? नहीं, मैं किसी को ऐसे इंतज़ार किया, हमने इतना इंतज़ार किया है कि हम किसी को इंतज़ार नहीं कराते हैं। सीधा सीधा पूछते हैं कि आप सीन भेज दीजिए, स्क्रिप्ट भेज दीजिए। तो मैंने कुछ सीन्स पढ़े थे, स्क्रिप्ट पूरा आया नहीं था तब, और एक जूम कॉल हुआ था सब TVF के जो फाउंडर्स थे उनके साथ, एंड दैट्स द मीटिंग दैट वॉज द क्लिंचर फॉर मी, बिकॉज वट आई ऑब्जर्व इन द मीटिंग, ऑफकोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट द शो एंड ऑल दैट, बट वट आई रियली ऑब्जर्व एंड वॉज द सेंस ऑफ कैमराडरी एंड ट्रस्ट दैट हैड बीन बिल्ट ओवर टाइम। इट वॉज नॉट अ क्रू दैट जस्ट केम टुगेदर टू मेक दिस शो, यू नो, दे हैड ऑलरेडी, दिस वॉज, दे वर सीजनड हैंड्स, they had come together when no one believed in them to tell a story about a population that no one was making stories for young people. Bilkul. No one felt the need, no one felt saw a reason to, and these guys came together and made that. So it was really like entering a building with a very strong and deep foundation, and I think their successes are just like the first floor, second floor, third floor. They can keep building because their foundation is, you know, so deep. So that Zoom call was the clincher, and then my news feed moments after I signed off from that Zoom call was hearing about student suicides in Kota, and I think it was a combination of the trust I felt in the room and the sense of I wanted to respond to that, and I thought this was a wonderful opportunity. Super. Jitendra, मतलब ये भी बताना philosophy अगर मतलब कि आप इस काम के लायक हैं कि नहीं,
उसका जवाब खुद से मिल पाना या ढूंढ पाना, वो भी शायद इनहेरेंट है इसमें सीरीज में या फिर आगे के सीजन्स में ये चीज आ सकती है। क्या चीज़? कि मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी के लायक हैं कि नहीं, इसका जवाब वो खुद से ढूंढना चाहें, या वो अगर एक्टिंग में आना चाहते हैं तो उसके लायक हैं कि नहीं, इसका जवाब ढूंढना हो, तो ये एक इनहेरेंट सवाल का जवाब इस सीजन में है या फिर आगे के सीजन में एक्सपेक्ट करें हम लोग? आई थिंक बहुत है, हाँ, जो आपने सवाल पूछा है आई थिंक वो बहुत ही अलग डायरेक्शन है। आई थिंक शो कहीं और है अभी, कहीं और किसी और ट्रैक पे, इस स्टेज पे। सो आई डोंट नो, मतलब जो फिल्म मेकर्स हैं वो आगे किस तरीके से उस चीज को ले जाने चाहते हैं। आई थिंक बेटर होगा कि जो टीवीएफ ऑफिशियल्स हैं वो उसका जवाब दें कि हाँ हम लोग किस तरीके से कहानी कहना चाह रहे हैं। आई एम जस्ट एन एक्टर, सो जो भी मुझे परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है मैं करता हूँ, बट आई एम श्योर कुछ और बेटर कहानियाँ हैं, बेटर ट्रैक्स हैं जहाँ पे मतलब और सीजंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। मुझे तो वो लगता है, मतलब इस मैं सीजन अगर हटा दूं कि आगे क्या होगा कैसा होगा, लेकिन आप किसी चीज़ के लायक हैं या नहीं वो तभी पता चल सकता है जब आप वो करके देखेंगे। मतलब ये मैं एज अ लाइफ बता रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे कोई आपको ऐसे पकड़ के गाइड करके बोल सकता है कि अरे यार तेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, तू तो ये मत कर, या फिर तेरे अंदर ये है तू कर ले। उसके पीछे का हार्डवर्क, आपकी जर्नी, वो सब आपकी होती है, और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्या बात है जितेंद्र, मतलब एक सवाल और किया जाता है, जैसे कि मतलब आईआईटी किया किसी ने, ठीक है, फिर आईआईएम मतलब चले गए और फिर राइटर बन गए या फिर एक्टर बन गए, तो जो उसकी पढ़ाई मतलब रही आईआईटी की या फिर आईआईएम में, और जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट ने मतलब खर्च की थी एक स्टूडेंट पे 4 लाख 5 लाख या अब तो खैर 18 लाख हो चुकी है आईआईटी के मतलब हिसाब से, तो उसका यूज़ मतलब अब नहीं हो रहा है। हालांकि वो मतलब जो भी हैं वैसे लोग वो कुछ भी करने को मतलब आज़ाद हैं, लेकिन जो उतना इन्वेस्टमेंट रहा गवर्नमेंट का उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक जो जिस एज पे ये इंटरेस्ट पैदा होता है किसी बच्चे को कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, और वो जिस वजह से भी पैदा होता है, वो जो इंटरेस्ट है उस टाइम पे उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये मतलब उसके इंटरेस्ट क्या है, वो लाइफ में कैसे आगे अपनी लाइफ लेके जाना चाहता है, वो कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो उसको नहीं आइडिया होता है। और वो डिसाइड करता है किसी एक दिन बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो उसके आसपास हो रही होती हैं कि अच्छा आईआईटी नाम की चीज़ है, उसके लिए यहाँ पे तैयारी होती है और वहाँ पे जाके तैयारी करनी होती है। आई हैड नो आइडिया कि आईआईटी में जो पढ़ाई हो रही है उस पे गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, या मतलब हम पे इतना खर्चा हो रहा है और हम आगे जाके कोई दूसरा काम करने वाले हैं तो हम काइंड ऑफ यू नो दैट डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। आई हैड नो आइडिया। सो लाइक बहुत ही तुम अगर ये सवाल मुझे पता होते हुए आज की उम्र में मैं कुछ जाऊँगा तो शायद मैं ऑप्ट ही ना करूँ वो चीज़। मैं वो मुझे पता होगा कि हाँ अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो मुझ पे इतना खर्चा होगा और मैं कुछ और ही करने का मेरा मन है तो फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सो इट्स वेरी सेंसिबल थॉट अगर मुझसे आज ये चीज़ की जाए, बट तुम बात कर रहे हो एक 14 साल के लड़के की जिसको आइडिया ही नहीं है कि मतलब आगे क्या करना है, ठीक है, कहाँ उसकी लाइफ उसको बेटर लगेगी, क्या अपॉर्चुनिटी उसके पास लाइफ में आने वाली है, तो बहुत ही मतलब अनफेयर सवाल है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने आईआईटी क्रैक किया मुझे आइडिया ही नहीं था, तो सिर्फ एक एम था कि मुझे पढ़ना है और मुझे एक एग्जाम क्लियर करना है, मुझे मेरे दिमाग में इसके अलावा कोई और थॉट ही नहीं था। तो ये आज इतना अनफेयर है ये क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्ट में शायद। हाँ, और मतलब एंड आई थिंक फिर हम क्यों फ्रीडम की बात करते हैं, फिर हम लाइक किस चीज़ की हम बात करते हैं। एंड ऑफकोर्स मतलब मैं जो भी आज काम कमा रहा हूँ, मतलब जो भी काम मैं कर रहा हूँ, मैं आई एम अ इनकम टैक्स पेयर, राइट, ठीक है, तो मेरे काफी बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को जाता है, तो समहाउ आई एम लाइक रिटर्निंग माय थिंग्स। सो इस सवाल का जवाब देना हां मतलब बड़ा ही कठिन है। आल्सो अगर उन्होंने आईटी के जो करा भी है जी, वो जो प्रोसेस फॉलो करी वो प्रोसेस ही आज उनको लाइफ में यहां तक लेके आने में हेल्प कर रही है। यस, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ाई वेस्ट हुई। Yes, I really don't believe in this kind of. ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग करा तो आप आगे जाके उसी की ही जॉब करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो ही शायद आप सक्सेसफुल होंगे। आज मैं भी जो लाइफ में हूँ, सर भी जो लाइफ में है, वो उन्होंने जो पढ़ा है वो चीज वेस्ट नहीं होगी, वो आज शायद लाइफ में फॉलो कर रहे होंगे, वो किसी ना किसी तरीके से तो हेल्प कर ही रही होगी। सही सही। तो मतलब आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन उस चीज से रिलेटेड है कि आप वो चीज करते हैं या नहीं करते हैं। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट ओटीटी इन फैक्ट हैज बीन दैट इट हैज इनवाइटेड राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स।
Yes. That's why we are getting to hear different kind of stories. The stories, yes. They're not necessarily people who came to Bombay to be storytellers because they were gifted with the art of storytelling. They actually were engineers, chemical engineers, civil engineers, IIM. They studied, or scientists, or, you know, people who pursued, doctors who came into, I mean, insight leke aata shouldn't, wo, isn't us cinema and what we do a study of human behavior and human life, and to invite people and writers and makers from different walks of life makes this world so much richer. So, yeah, ये भी मतलब अगर वो 10 IITian लोग नहीं आते और वो YouTube पे पहला वेब शो नहीं बनाते, so how would you guys get entertained at home? No, and I've noticed, I've recently done another show which was show run by somebody who went to IIT and, you know, went to IIM. And I think, and then I did two, then I worked with these guys. And there is a difference. I think the understanding of also the business side of entertainment is something perhaps that an analytical mind and helps, because it is not just about the creative. ये बात तो है डेफिनेटली. और जैसे मान लें कि मतलब जो जीतू भैया का किरदार है, ठीक है, वो क्या हम बोल सकते हैं कि एक हद तक सुपर 30 वाले जो आनंद कुमार हैं वैसे, मतलब वो भी हैं जो कि चाहते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट्स उतने रिसोर्सफुल नहीं हैं, पैसे नहीं हैं जिनके पास कि वो मतलब महंगे कोचिंग्स को अफोर्ड कर सकें, तो वो भी एक झलक है उसमें जीतू भैया में, या नहीं वो कंप्लीटली अलग है? कंप्लीटली अलग है आनंद कुमार. आई थिंक जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था शो, कभी भी आई डोंट थिंक कि जीतू भैया के जो सब, अगर हम सीजन वन देखेंगे तो उसके ऐसे कुछ एम्स थे कि वो अलग से कुछ बनाएंगे और वो बच्चों की हेल्प करेंगे. आई थिंक इट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी, प्रोग्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, कि वो कैसे इवॉल्व हुआ अपने जर्नी में, अपनी जो कहानी बन रही है उसमें वो कैसे इवॉल्व हुआ और वो कैसे यू नो आगे सोचता है स्टूडेंट्स के बारे में. सो आई डोंट थिंक कि वो कभी भी आइडिया था. आई थिंक ही वॉज अ नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर जो कि हाँ मतलब जिसके पास बच्चे आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम लेके और वो कहीं ना कहीं अपने ढंग से अपने तरीके से सॉल्व करता है अतरंगी तरीके से. सो इट्स मोर अबाउट लाइक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एट दैट टाइम, कि यार ये इंटरेस्टिंग लगेगा, ये इस कहानी में इस तरह का कैरेक्टर होना बड़ा इस सीरीज को या इस पर्टिकुलर कहानी को बड़ा एंगेजिंग बनाएगा. वो थॉट्स थे. आई डोंट थिंक इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर. डेफिनेटली. और रितेश, आपके पास तो ऑब्वियसली मतलब ऑफर्स काफ़ी आ रहे होंगे, कितना मतलब सक्सेसफुल आप काम कर रहे हैं, तो मतलब कोटा से ही मतलब वो नहीं मिल पा रही है फुर्सत, या मतलब क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, ऐसा तो मैंने कोई सोचा ही नहीं जितना आपने सोच लिया. तो कोटा मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रहा, मतलब जिस तरीके का ये ट्रीटमेंट था और जिस तरीके से सीजन वन से ही राइटर्स, डायरेक्टर्स और क्रिएटर ने जिस तरीके से बना रखा था, तो मेरे लिए तो ये था कि कोटा करना है. उसके पीछे के रीजन्स भी मेरे थे कि क्रिएटिवली ये बहुत डिफिकल्ट शो है, एग्जीक्यूशन वाइज मेरे लिए बहुत डिफरेंट था जो मैंने अब तक कर रखा था, तो मेरे चैलेंज ही अलग थे. और मैं वन शो एट अ टाइम देखता हूँ, तो अभी कोटा किया है, आई होप अच्छा जाए, जो अगला करेंगे फिर आई होप वो अच्छा जाए, वो उस समय देखा जाएगा. एंड तिलोत्तमा नाइट मैनेजर, मतलब कमाल था वो, और सब मतलब तारीफ तो खैर है ही, मतलब हमेशा से आपके काम के, ठीक है. OTT में आप मतलब एडिशनल क्या देख रही हैं, कि मतलब मुझे एक किस तरह का शो या फिर कैरेक्टर्स पिच किया जाए, मैं हाँ कहूँ? नहीं, या नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है इतना माप तोल के. ऐसे मतलब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ इस वर्ल्ड में. ये लोग इनके फोर रनर्स हैं, इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि मुझे इनके साथ काम करने को मिल रहा है. एंड आई थिंक OTTs हैव स्टिल, आई स्टार्टेड माय करियर इन द फर्स्ट फिल्म आई डिड वाज शॉट ऑन 35mm, वाज शॉट ऑन फिल्म स्टॉक, और रिहर्सल इतने बार होते थे कैमरा ऑन होने के पहले, क्योंकि शायद एक ही टेक हो उस सीन का. उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा फिल्म ऐसे बनती है. नेक्स्ट फिल्म वॉज डिजिटल, द वर्ल्ड चेंज्ड इनटू डिजिटल. देन यू नो केम टू बॉम्बे एंड आई डिडंट नो एनीबडी हियर, आई डिडंट नो हाउ वर्क हैपेंस, एंड आई हैड टू वेट, एंड आई वेटेड फॉर अ वाइल, एंड आई ओनली गॉट वर्क दैट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय you know, co-produced by international production houses, and never released in India. So this OTT thing is, it's really like, I live here, you know, I've grown up here actually. And so for me, it was really like a sense of homecoming. Yes. So, and it's still very new. So let's see how it goes. I'm very thankful, at least darwaza khula hai and I've been asked to come in. And I'll make the most of it, that I know.
जितेंद्र जैसे मान लें कि मतलब यहाँ भी जीतू भैया के किरदार में भी एंड पंचायत सचिव के भी किरदार में भी बैक स्टोरी मतलब नहीं रखी गई अभी तक, शायद उसकी जरूरत नहीं मतलब महसूस की गई दोनों में, यही रीजन है या और क्या रीजन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब बैक स्टोरी नहीं है ना कोई, कहाँ से आए दोनों किरदारों के, ये कहीं से तो शुरू करेंगे तो उसका बचपन थोड़ी ना दिखा देंगे, कभी भी कैरेक्टर शुरू होगा तो थोड़ी ना वो तो वहां सारी परेशानियां सारे सुख क्या क्या दिखाएंगे, वो कैसे पैदा हुआ वो थोड़ी ना दिखाएंगे सर। राइट, आई थिंक जहां से कहानी शुरू हुई है वही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोनों में कि हाँ एक मतलब लाइक एक बंदा आउट ऑफ द ब्लू शहर से आया गांव में, अब क्या होता है उसके साथ, तो कहानी का प्लॉट ही वो है। सो बैक साइड जाएंगे तो शहर में रहता है, वो तो शहर में नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा, तो वो तो कोई कहानी नहीं बनी, मतलब वो तो कोई जो इंटरेस्टिंग जिस वजह से वो उसकी जो यू नो जिस वजह से वो चीज पॉपुलर हुई है कि हाँ एक गांव की कहानी है, एक अर्बन बंदा गांव में आता है और वो किस तरीके से गांव की चीजों को डील करता है, उसको हम अर्बन में ही दिखाएंगे तो फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट मिस, मतलब फिर वो कहानी तो मिसिंग हो जाएगी। एंड आल्सो व्हाई गिव अ लेक्चर ऑन द बैकग्राउंड, लेट अस डिस्कवर इट आल्सो ना फ्रॉम द हाउ ही बिहेव्स इन एवरी सीन, कि इसका बैकग्राउंड क्या, लाइक एन ऑडियंस आल्सो स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग, I think it's far more interesting than telling them ये इसका जन्म नहीं हुआ था, ये टाइम था, अस्पताल ये था, उसकी माँ कोटा डैन डैन कोटा ही मतलब हिस्टोरिकली वो तो बन गया है कि भाई मतलब पिछले 20 सालों से या 25 सालों से जब से भी है वो क्यों हुआ, और या फिर कोटा के अलावा भी कोई और ऐसा मतलब शहर है इंडिया में जो कि मतलब उसका रिप्लेसमेंट बन रहा है, हो रहा है, तो मतलब ये भी आरएनडी में मतलब मिला है आप लोगों को, मतलब हमने जो अग्रवाल सर का कैरेक्टर प्ले भी करा है उसमें वो इंस्पायर है कि उन्हीं ने ही मतलब वो हमने फिक्शनल नाम दिया है लेकिन वो ही स्टार्टिंग में टीचर थे, हमने रिसर्च किया कि किस तरीके से उन्होंने कोटा फाउंड किया था, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाना चालू किया, कैसे धीरे धीरे वहाँ पे फिर ये इंडस्ट्री ग्रो होना चालू हुई, तो आरएनडी में ये सारी चीज़ें हुई मतलब सीजन वन से ही, और इसीलिए आप देखोगे कि वो कैरेक्टर भी है और हम कभी उनको एज अ अब तक आपने देखा होगा कि हमने कभी उनको ऐसा रिवील भी नहीं किया है फॉर द रिस्पेक्ट कि उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कवर की नहीं थी। कोई और अब आगे मतलब शहर कोटा के अलावा जो ये तो शायद अब तो डिजिटल होने के बाद मुझे लगता है कि हर शहर में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, खासकर छोटे शहर में, मैं जाता हूँ इंदौर में वहां भी देखता हूँ, भोपाल में भी देखता हूँ, हर जगह हो चुका है क्योंकि अब डिजिटल होते जा रहे हैं, आपके टीचर्स भी जो है वो अब हर तरीके से मटेरियल आपके पास जो है वो इजिली आ जाता है, पहले होता था कि मतलब एक कोचिंग में एक मटेरियल रहता था वो बाहर आने में बहुत टाइम लग जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो शहर में जो है वो सर्कुलेट होता रहता था, पर डिजिटल होने के बाद तो मुझे लगता है स्कोप अनलिमिटेड है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच है ना, और देखते रहिए दैनिक भास्कर, थैंक यू।